सोनालिका का एक रिव्यू बनाने के लिए आया हुआ हूं। मैंने सुना है ये ट्रैक्टर किसान भाइयों के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये है सोनालिका DI-50 RX ट्रैक्टर जो कि 50 HP हॉर्स पावर के अंदर आता है। यहां पे हम इसके ऑन रोड प्राइसेस के बारे में आपको बताएंगे, प्लस इसके क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर्स है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी बेहतरीन इसका कलर है, दोनों ही साइड में आपको सोनालिका की बैजिंग जो कि हर ट्रैक्टर के ऊपर दिखाई देती है वो दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर HDM हैवी ड्यूटी माइलेज, यानी कि HDM का मतलब होता है कि हैवी ड्यूटी माइलेज वाला ये ट्रैक्टर है सोनालिका की तरफ से। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन आपको इसके अंदर टायर मिल जाते हैं, सामने का जो टायर है वो आपको 7.5x16 का मिलता है, काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल टायर है। और यहाँ पे अगर पीछे के टायर के बारे में आपको बताऊँ तो ये आपको 14x9x28 इस तरह का टायर आपको पीछे मिल जाता है, काफ़ी मजबूत पकड़ रहती है इस टायर की, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है। जब आप इसको खेतों में यूज करते हैं तो आपको खेतों में जो है स्लिप होने के चांसेस नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इंजन की तरफ से शुरुआत करते हैं कि ये जो सामने आपको बोनट दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो मैं आपको इसको खोल करके बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने बोनट को खोल लिया है, काफ़ी स्मूथ इसका बोनट खुल जाता है, जब भी मैं इसको खोलता हूँ और ये इसको छोड़ता हूँ तो ये आसानी से ऊपर चला जाता है, यानी कि आराम से इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉक सिस्टम मिलता है। दूसरा दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर क्या होता है, जनरली हमारी बैटरी वगैरह का चोरी होने का जो चांसेज है वो ना हो सके, इसलिए ट्रैक्टर की जो बैटरी है बोनट के अंदर दी गई है। यहाँ पर आपको एक्साइड की बैटरी मिल जाती है इसके साथ में, और यहाँ पर इसके सामने आपको फिल्टर मिलता है जो कि ड्राई फिल्टर होता है, साथ ही यहाँ पर आपको इसका कूलेंट जो है चैम्बर वो